दुनिया की सबसे महंगी कार्स। मजाक नहीं, हमने पूरे 250 मिलियन डॉलर्स की कार्स को इकट्ठा किया है और इनमें से एक कार तो पूरे 100 मिलियन डॉलर की भी है और हम इन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं, तैराने वाले हैं, चलाने वाले हैं, यहाँ तक कि उड़ाने भी वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये सब इतनी महंगी क्यों है। और शुरू करते हैं इस एक डॉलर की कार से, जो पूरी तरह एक कबाड़ है। आप इसे एक डॉलर में क्यों बेच रहे हैं? तुम देख सकते हो ये पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है और मैं बिना मतलब इस पे खर्चा नहीं कर सकता। अगर आप ये डॉलर लेते हैं तो डील फाइनल। ये बात तो जाहिर है कि ये एक कबाड़ का टुकड़ा है, पर अगर इस पे 20,000 खर्चा करते हैं तो ये चल भी सकती है। ठीक है, चलो इसे चला कर देखते हैं। क्या बात है? सोचा नहीं था ये चल पड़ेगी। आखिर ये चल कैसे रही है? धुएं की गंध आ रही है। ये तो क्रेजी है। ये है $1 कार। ठीक है, तो वो थी हमारी $1 कार। शुक्र है उसमें मैं नहीं था। $1,00,000 वाली कार को लाया जाए जो अपने आप ही चलती है। मजाक नहीं कर रहा, अभी इस कार में कोई भी नहीं है और ये चल रही है। चलो देखें 1,00,000 में क्या मिला है। इस कार में तो बहुत जगह है। इस कार में मेरे सारे बच्चे भी फिट हो सकते हैं। तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ, वो सभी। चलो अब इसे चला के देखें। टेस्ला को खरीदने की असली वजह ये है कि ये अपने आप चल सकती है। ठीक है, अब मैं इसे नहीं चला रहा हूँ। ओ, ये अपने आप मुड़ रही है। अरे ये क्या? ये सच में अपने आप ही चल रही है। पैडल को देखो। मैं एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग को छू भी नहीं रहा। जिमी, तुम्हारा मतलब कि हम ड्राइव करते हुए सो भी सकते हैं? नहीं, वैसा मत करना। ओके, समझ गया। अब देखते हैं ये कितनी तेज दौड़ती है। इसने तो पीछे ही धकेल दिया। ये डरावना था। ये तो बस शुरुआत ही है। आगे एक ऐसी भी कार है जो एक प्लेन में बदल कर हवा में उड़ती भी है। लेकिन अभी देखो, ठुक नहीं वाला था। इस पे तो चाबी भी लगी, किसी ने इसे चुराया नहीं। भले ही इसकी कीमत 2 गुना है पर जगह उससे बिल्कुल आधी है। मैं इसे 2,00,000 में बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि मैं इसमें फिट ही नहीं हो रहा। क्या वो लैम्बोर्गिनी को चलाना जानते भी हैं? इसे शुरू कैसे करते? शायद इस शिफ्टर को दबाकर। ठीक है, और ये हम चले। ओ, इसकी आवाज, ओ माय गॉड, इसकी स्पीड तो देखो। हे, ये बहुत पावरफुल है। ओ माय गॉड, ये कार तो कमाल की है। मैं बस एक्सेलरेटर को छू रहा हूँ और ये उड़ रही है। मैंने इतनी तेज कार अब तक नहीं चलाई। अगर आप कुछ कमाल का खरीदना चाहते हैं तो यही वो कार है। और अब हम आ गए हैं $3,00,000 वाली कार के पास, और ये इस प्लेनेट की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। ये तो एक टैंक है यार। क्या ये एक मिलिट्री ग्रेड कार है? ये कितनी ऊंची है। तुम अभी अभी एक लैम्बोर्गिनी में बैठे थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो देखते हैं ये इतनी सुरक्षित कैसे है। सबसे पहली बात, ये बुलेट प्रूफ विंडोज जो कि इतनी मोटी है। इस कार में एक एक्सप्लोसिव प्रूफ आर्मर भी लगा है जिसकी हम आगे जांच भी करने वाले हैं। काल, तुम बटन्स दबाना चाहोगे? मैं तड़प रहा हूँ। तुम्हें स्मोक स्क्रीन बटन दबाना है? प्लीज। वाओ, वाओ, ये तो कमाल का है। यहाँ एक असली स्मोक स्क्रीन है। ओह माय गॉड, इसकी स्मेल। लेकिन इन सभी फीचर्स की वजह से ये कार सुरक्षित नहीं बनती है। ये सुरक्षित बनती है इसकी इस एक्सप्लोसिव प्रूफ फ्रेम की वजह से, और हम इसे टेस्ट करने वाले पहले लोग होंगे। और इससे पहले कि हम इस $3,00,000 वाली कार को उड़ाए, चलो उड़ाते हैं एक नॉर्मल कार को और देखते हैं कि पैसेंजर्स बच पाते हैं या नहीं। 3, 2, 1 वो सिर्फ जली ही नहीं पर मैनेकिन्स कार से बाहर उड़ गए। हमने उसका सनरूफ भी उड़ा दिया। वो धमाके को बिल्कुल नहीं सह पाई। इस कार को उड़ाने से पहले मैं फीस्टेबल्स अंदर रख देता हूँ, मेरे चॉकलेट्स को बचा लेना। माना कि ये कार एक्सप्लोजन प्रूफ है पर अब तक इसे टेस्ट नहीं किया गया है। देखते हैं कि वो मैनिकिन्स और सबसे जरूरी वो फीस्टेबल्स बच पाते हैं या नहीं। 3, 2, 1 कार ने जंप किया। कार को उस ब्लास्ट के बाद बस कुछ ही स्क्रैचेस आए हैं। विंडो में एक डेंट भी आया है। एक मिनट, फीस्टेबल्स कहाँ हैं? चैंडलर, रास्ते से हटो। चैंडलर, ये फीस्टेबल्स बच गए। अगर आपको बॉम्ब से बचने के लिए कार चाहिए तो मैं चाहूंगा आप इसे ही खरीदें। पर क्योंकि हम किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं और $2,00,000 ऐड करके हम ले सकते हैं ये $5,00,000 वाली बोट कार। जमीन पर ये एक आम कार जैसी ही लगती है, कोई भी फर्क नहीं बता पाएगा। पर मजे की बात ये है, एक बार पानी में जाते ही ये बोट बन जाती है। पहले काल को जाने देते हैं। ये हम चले। ओ, ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा मुझे। उन्हें आगे भेजा ताकि मैं देख सकूं कि ये काम करती है या नहीं। क्या हम डूब रहे हैं? नहीं, हम तैर रहे हैं। काम तो कर रही है, देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड, हम पानी में कार चला रहे हैं। ओ, इसे बीप सुनने तक दबाए रखो। ये रही बीप। अब इसे आम कार की तरह चला सकते हो लेकिन पानी पर। दिया ध्यान से। ये तो सच में कमाल है यार।
ये बस 5 सेकंड पहले ये सिर्फ एक कार थी। मैं भी उनके साथ जा सकता था पर मुझे कार और बोट दोनों से डर लगता है। ओ, ये हुई ना बात। ठीक है काल काल काल। उन्हें मुझे इसे नहीं चलाने देना चाहिए था। मजा ही आ गया। रूल नंबर 1, हमेशा क्रिस से बहुत ज्यादा दूर रहना। हम साइकिल में ड्राइव कर रहे हैं। ओह, वो पानी में डोनट्स बना रहे हैं। इसे तो भंवर बन जाएगा। मैं इससे अभी 5 सेकंड पहले मिला हूँ। हम रेस करने वाले हैं। 3, 2, 1, गो। वो तो बहुत तेज है, कोशिश भी नहीं कर रहा। चलो भी और तेज। ओह, हम उसे हरा रहे हैं। वो स्लो हो गया। विश्वास नहीं होता हमने उसे हरा दिया। ये कार सच में बहुत तेज है। चलो जीत का जश्न फीस्टिबल्स बार खाकर मनाते हैं। ए, ये लो कुछ फीस्टिबल्स। मुझे मिल गया। फीस्टिबल्स दुनिया के नंबर 1 चॉकलेट्स हैं। अगर आपने नहीं खाए तो ट्राई कीजिए। सच में हम तीनों समंदर पर कार चला रहे हैं, ये बात बहुत ही कमाल की है। जिमी, मुझे तो इससे प्यार ही हो गया है। और कमाल ये भी है कि ये इस वीडियो की शुरुआत ही है। अगली जो कार है वो हवा में उड़ सकती है, और क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर है मैंने काल और नोलन को इसमें भेज दिया। डूड, ये क्या हो रहा है? ये कार सिर्फ रोड पर ही नहीं चलती है बल्कि इसके विंग्स भी हैं, जो इसे आसमान में पूरे 8,000 फीट ऊपर उड़ा सकते हैं। उस कार में प्रोपेलर भी लगे हुए हैं। तुम यही रुक के इसे उड़ता देखो, मैं उस प्लेन से उसका पीछा करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि ये सच में उड़ने वाली है। ये टेक ऑफ कर रही है, उसके पहिए जमीन पर भी नहीं है। वो कार तो सच में उड़ रही है। ये कार और कमाल की होती जा रही है। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये कार लगभग 5,000 फीट ऊपर है। ये तो बहुत ही कमाल है। लग रहा है $6,00,000 इसके लिए बहुत ही कम है। Prepare for landing. अब आगे है $1,000,000 वाली कार। लेकिन मैं सिर्फ एक ही नहीं लाया। आप सोच रहे होंगे कि $1,000,000 वाली बहुत सारी कार्स हैं, और ताकि मैं आपकी फेवरेट कार ला सकूं, मैंने $1,000,000 वाली 10 कूल कार्स मंगवाई हैं। और हमेशा की ही तरह हमने एक पूरा रेस ट्रैक भी रेंट किया है, और मैंने मेरे दोस्तों को उनकी फेवरेट कार भी चुनने दी। मैं तुम्हारे साथ राइड करूंगा, तुम ही चुनो। ये कितनी खूबसूरत है ना। क्या मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? ठीक है, मैं चलाते हुए टैक्स नहीं करूंगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ ये लीगल है। ओ, क्या बात है। हम कभी नहीं मरेंगे। नजर मत लगाओ, लगता है जैसे मैं नास्कार में हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है, जैसे कि हम फास्ट एंड फ्यूरियस में हैं। बहुत ही महंगी और शोर करने वाली कार चलाना बहुत ही मर्दाना सा लग रहा है, वो भी प्राइवेट रेस ट्रैक पर। एक प्राइवेट रेस ट्रैक पे। एक मिनट, मुझे टैक्स करना है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं इसे ठोक दूंगा। प्लीज नहीं। ओ माय गॉड, हम $1,000,000 वाली कार में डोनट्स कर रहे हैं। जब तक गैंग ट्रैक पर मजे कर रही है, मैं आपको अगली कार दिखाता हूँ। ये है $2,000,000 वाली लिमिटेड एडिशन हाइड्रोजन कार। मजाक नहीं, ये कार पूरी तरह हाइड्रोजन पर चलती है, और ये एग्जॉस्ट करते वक्त पीने वाला पानी छोड़ती है। पर ये कार अभी भी डेवलप हो रही है, इसलिए ये एक प्रोटोटाइप है। मैंने आज तक किसी कार में बैठने के लिए इतनी मेहनत नहीं की। ठीक है, देखते हैं ये बंद कैसे होता है। सुपर कार के लिए ये डोर बहुत ही स्लो है। अब हम रोड पर जाने वाले हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये कार कभी भी रोड पर नहीं चली है। ओ, ये बैठने से पहले बताना था। उन्होंने इस कार को एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है, तो इसे रोड पर चलाना थोड़ा घातक है। जरा उस औरत को तो देखो, वो औरत हमारी कार को रिकॉर्ड कर रही है। और इसे चलाते हुए मैं आपको बताता हूँ सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 फोन के बारे में। और इस फोन की खासियत ये है कि ये बीच से फोल्ड हो सकता है। बूम, बिल्कुल आधा हो गया। और हाँ, मैं सीट बेल्ट भी लगाता लेकिन वो इसमें है ही नहीं, लगता है वो डालना भूल गए। क्योंकि ये फ्लिप 5 फोल्ड हो सकता है तो ये जेब में भी आराम से बैठ जाएगा, और हम इसमें एक साथ 2 ऐप्स चला सकते हैं। दिखाओ। मैं दिखाता हूँ। यहाँ नीचे की साइड में मैं यहाँ देख रहा हूँ गूगल, और ऊपर मैं देख रहा हूँ मिस्टर बीस्ट का वीडियो। ओ माय गॉड, सच में ये बहुत तेज है। हाँ। भले ही ये कार हाइड्रोजन पर चलती है, फिर भी इसकी रेंज लगभग 1600 किलोमीटर की है, और इसकी टॉप स्पीड है पूरे 355 किलोमीटर पर आवर। और इस फोन की एक और खासियत है कि ये रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60 FPS में। हम फोल्ड करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी इस चैनल का ऑफिशियल ब्लॉग कैमरा सैमसंग गैलेक्सी S23 ही है। इस इंजन की आवाज तो सुनो। या।
क्या बढ़िया आवाज है। इसे बंद करने के बाद भी यहाँ पर एक फ्रंट फेसिंग कैमरा दिख रहा है। ये फ्लिप 5 सैमसंग का अब तक का सबसे इनोवेटिव फोन है। इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें। अभी करो। मेरे अगल बगल में बहुत सारी कार्स हैं। मेरी 2 मिलियन वाली कार से दूर हो जाओ। अगली कार के पास जाते हैं। वहाँ रेस ट्रैक पर हमारी अब तक की सबसे अनोखी और पावरफुल कार है। ये 10 मिलियन डॉलर वाली कॉनिग्जेग वेडर अब तक की इकलौती ऐसी कार है। तो ये दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार है। ओह माय गॉड। और इसके पेंट में असली वाले हीरों का चूरा है और इंश्योरेंस कंपनीज इसे सिर्फ इसके मालिक को ही चलाने देती है। मैंने पूरी जिंदगी में इससे बढ़िया डोर नहीं देखा। तुम पागल हो। चलो चलो ठीक है, चलो चलते हैं। एक आदमी डर के रोने भी लगा था। सच में? हाँ, मैंने उसे बहुत डरा दिया। मैं अपना सिर पीछे ही रखूंगा ताकि चक्कर ना आ जाए। इतनी तेज कैसे है? मैंने कभी भी बस एक सेकंड। ये कार दुनिया की तेज कारों में से इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन लगा है और क्योंकि इसकी पूरी फ्रेम एयर कोर कार्बन फाइबर से बनी है। इसका वजन एक लैम्बोर्गिनी से पूरे 226 केजी कम है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा है। दिल जोरों से धड़क रहा है। ये बहुत ही कमाल का था। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो चल के जे लेनो से मिलते हैं और देखते हैं कि 20 मिलियन वाली कार कैसी लगती है। ठीक है, जे लेनो पिछले 20 सालों से द टुनाइट शो के स्टार रहे हैं और आज ये दुनिया के एक बढ़िया कार कलेक्शन के मालिक है जिसमें ये 20 मिलियन डॉलर वाली मैक्लेरन F1 भी है। क्या क्या वो सिर्फ आपके इशारे से खुलता है? ये हाई टेक है। चोरो कोशिश ही मत करना। और ये इतनी अनमोल क्यों है? इसमें V12 इंजन है, कार्बन फाइबर है, ये बहुत ही हल्की है और इसकी टॉप स्पीड 388 किलोमीटर पर आर है जो कि बहुत ही तेज है एक नॉन टर्बो चार्ज नॉन सुपर चार्ज कार के लिए। तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। तुम देख सकते हो उसमें 3 सीट्स हैं और कार का वजन है 1043 किलो। सबसे मॉडर्न कार भी 1800 की होती है। ये नोलन की मॉम से बिल्कुल मिलती जुलती है। बिल्कुल सही कहा। असल में इसे नोलन की मॉम को ही देखकर और समझकर बनाया गया है। तुम इसकी सवारी करना चाहते हो? बेशक। मैं इस मिडिल सीट में कभी फिट नहीं आऊंगा। बहुत अनकंफर्टेबल है। इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, ये तो बहुत कंफर्टेबल लग रही है। अजीब है पर 3 सीट्स कंफर्टेबल लग रही है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर व्हील यहाँ पर होता है या अगर हम इंग्लैंड में होते तो स्टीयरिंग व्हील यहीं पर होता। सही कहा। तुम अभी इंग्लैंड में हो और तुम अमेरिका में। आपके पास ये कब से है? तुम कब पैदा हुए थे? 1998। मेरे पास ये ठीक तभी से है। मेरे जन्म लेते ही आपने ये कार सेलिब्रेट करने के लिए खरीदी। सही कहा। और ये बात भी जान लो मैं तुम्हारा डैड हूँ। इंटरेस्टिंग। आपने इसे कितने में खरीदा था? मैंने इसे $800,000 में खरीदा था। मैंने इसे खरीदा और लोगों ने कहा तुम्हें कभी इतनी कीमत नहीं मिलेगी, पर फिर इसकी कीमत ज्यादा और ज्यादा बढ़ती गई और अब ये 20 मिलियन डॉलर्स की है। ये बहुत कमाल की बात है। मतलब इस कार ने आपको हर एक साल $1 मिलियन कमा कर दिया है। हाँ, शायद हम वैसा कह सकते हैं। काल, तुम्हें ये कार कैसी लगी? क्या कार है? तो तुम्हें खरीदने से कौन रोक रहा है? 19.9 मिलियन डॉलर। क्या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है? कई बार हुआ है। मैं इसमें घुमाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम गाइस। बहुत मजा आया। अगली 2 कार्स इतनी महंगी हैं कि इन्हें हर वक्त म्यूजियम में बंद रखा जाता है और दोनों की कीमत पूरे $80 मिलियन है। और जैसे तैसे हमने म्यूजियम को मना कर इन कार्स को पा ही लिया। बहुत ही बढ़िया। और इस जगह ये वीडियो और कमाल का होने वाला है। इस कार को शुरू किया जाए। ये कार है 30 मिलियन और ये वाली 50 मिलियन। झूठ नहीं कहूंगा, मुझे 50 मिलियन वाली ज्यादा पसंद आई। तो मैं $50 मिलियन वाली कार में बैठा डोनट मीडिया के साथ और चैंडलर $30 मिलियन वाली कार में बैठ गया कार लेजेंड बो बॉकमैन के साथ। तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। जिस कार में चैंडलर बैठा है वो इसलिए इतनी महंगी है क्योंकि उसे एक गिफ्ट के तौर पर फरारी के फाउंडर द्वारा फोर्ड के फाउंडर के लिए बनाया गया था और ये इतिहास की इकलौती ऐसी फरारी की कार है। ओह, इस ब्रेकर को देखकर डेंट ना आ जाए। जब तक हम एक $50 मिलियन वाली कार नहीं चलाते तब तक नहीं समझ आता कि रोड्स कितने खराब हैं। हम जिस कार में बैठे हैं वो अब तक की सबसे महंगी जैगुआर कार है। लेजेंडरी एक्टर स्टीव मैकवीन इसे हर रोज चलाते थे और उन्हें स्पीडिंग के लिए इतने चलान मिले थे कि उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुका था। मैं हर एक गड्ढे पर नजर रख रहा हूँ और क्योंकि ये कार्स इतनी महंगी हैं, हमारे साथ पुलिस एस्कॉर्ट है ताकि कोई भी इन कार्स के जरा भी करीब ना आ पाए। ये तो कमाल है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ, ये कैसे चल रही है? ब्यूटीफुली। ओह मेरी हैट।
जाने दो। जब हम मजे कर रहे थे तब बो बॉकमैन ने इस 30 मिलियन वाली कार को इसकी फुल स्पीड में चलाया। रुको रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ, कार बंद हो गई है। एक मिनट के लिए रुको, कुछ ज्यादा ही तेज तेज चला दिया। 30 मिलियन वाली कार रुक गई है, इन्हें खराब करने से पहले उतर जाते हैं। चलो चलते हैं 100 मिलियन डॉलर वाली दुनिया की पहली फरारी के पास। बहुत से लोग सोचेंगे कि 100 मिलियन डॉलर वाली कार दिखेगी कुछ ऐसी, पर आप देखकर चौंक जाएंगे कि 100 मिलियन डॉलर वाली कार दिखती है कुछ ऐसी। ये कार इतनी हिस्टोरिक और अनमोल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये म्यूजियम रिप्रेजेंटेटिव ही ऐसे इंसान है जिन्हें इसे चलाने की इजाजत है, और इसे सिर्फ इस ब्रिज पर ही चलाया जा सकता है। हमने पुलिस से पूरी रोड बंद करवा दी थी और हमने क्लीनर्स के हाथों पूरी रोड की सफाई भी करवाई थी ताकि ये पक्का कर सके कि इस 100 मिलियन डॉलर वाली कार को जरा सी भी खरोच ना आ सके। ये बहुत ही कमाल होगा। ठीक है, और अब हम ब्रिज पर हैं। ओह माय गॉड, जरा देखो तो 100 मिलियन डॉलर वाली कार कैसे दौड़ रही है। ओह, मेरी हैट क्यों उड़ रही है? उसकी हैट फिर उड़ गई। ऐसा दूसरी बार हुआ है। महंगी कार के साथ एक हैट फ्री में आती है। चलो चलो चलो, ये तो कमाल है, इससे ज्यादा मजा किस में आएगा। ठीक है, और तेज, चलो चले। ओह माय गॉड, ये कमाल है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। चलो इस ब्रिज पर बॉम्ब गिराया जाए।